बैक नाजीन, अजीब आप लोग भी कहेंगे, सोच रहे होंगे कि बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े महलों में बड़े प्रोग्राम, आज ये शहर खामोशा में प्रोग्राम। ये हमारे साथ शहर खामोशा के बिल्कुल पड़ोस में रहने वाले एक बड़े ही एंथुजियास्टिक, नीट एंड क्लीन एंड वेल बिहेव, वेल बिल्ट जेंटलमैन है। हम इनसे बात करते हैं और इनसे मुख्तसरन पूछेंगे कि ये इसके पड़ोस में रहते हैं, क्या महसूस करते हैं और इसकी बेहतरी के लिए क्या तजावीज़ देंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। क्या इसमें ग्रामी है आपका जनाब? जी अजीम खान। खान साहब पहलू में रहते हैं शहर खामोशा में, सब ने यहाँ आना है, आप इसकी बेहतरी के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या कहेंगे, DC साहब से क्या कहेंगे, खादिम आला पंजाब से क्या कहेंगे? आपसे गुजारिश है कि मुख्तसर सा और कॉम्प्रिहेंसिव ज़रा बताइएगा। जी मैं ये कहना चाहूँगा कि सब लोग अपने अपने घरों में, अपने महलों में अच्छे तरीके से रहते हैं, मगर शहर खामोशा के लिए कुछ भी नहीं करते। तो मेरी जो तजवीज़ है वो यही है कि जो हमारे ये गोरकन भाई हैं इनका ख्याल किया जाए, इनके और गोरकन भी यहाँ के मकीनों का ख्याल रखें। हाँ जी, गोरकन भी मकीनों का ख्याल रखें और गोरकन को भी जो है इनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए और सबसे ज़्यादा यहाँ पर लाइट का बंदोबस्त होना चाहिए। जब जनाजा आता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को और जनाजे के लिए बड़ी प्रॉब्लम करनी पड़ती है और हमारे पास इस तरह की कोई यहाँ पर रोड्स नहीं है कि रोड्स बनाए जाएँ कब्रों के अंदर नज़दीक, और इन सब चीज़ों के लिए हुकूमत को चाहिए कि इस तरह तवज्जो करें। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि ये जो गरीब लोग हैं जो ये इस शहर खामोशा के मकीनों का ख्याल रखते हैं, इनका भी ख्याल रखना चाहिए। तो खादिम आला पंजाब से, हुकूमत पाकिस्तान से, तमाम हुक्मरानों से गुजारिश है कि खुदारा सब ने यहीं आना है, यहाँ एक्सेस बेहतर बनाइए, जनाजगाहें बेहतर बनाइए, रास्ता बेहतर बनाइए और यहाँ रोशनी का बंदोबस्त कीजिए और अपनी आकबत संवारिए। हमारे साथ रहिएगा, हम अभी कुछ ही देर के बाद आवाम खोर प्रोग्राम में मज़ीद अच्छे अच्छे आपको एपिसोड दिखाएंगे। शुक्रिया।